Hey guys, what's up? Vasav here, back with another video. और अभी मैं कुछ interesting technical news पढ़ रहा था, तो सोचा क्यों ना एक video बना के आप लोगों के साथ share कर दिया जाए. Here we go. Guys, पहली news आ रही है Apple fans के लिए. Apple की तरफ से Apple ने launch कर दिया है अपना एक iPhone 7 Plus का नया color, जो है red color. और ये एक लिमिटेड एडिशन आईफोन है जो एप्पल ने आज ही अनाउंस किया है. अवेलेबल होगा 24 मार्च को यूएस में, और इंडिया में अवेलेबिलिटी के बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है. एप्पल ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है. और एड्स डे के लिए एप्पल ने शुरू किया है इस आईफोन को टू रेज फंड्स, जिससे कि एड्स के क्योर में मदद मिल सके. और गाइस, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अपडेट करता रहूँगा जब भी एप्पल का आईफोन 7 अवेलेबल होगा इंडिया में, ताकि आप लोग उसे जल्दी से जल्दी ले सकें. गाइस, दूसरी न्यूज़ आ रही है एलजी की तरफ से, और पता चल रहा है कि कुछ यूज़र्स ने एलजी के फ़ोन्स को लेकर एक कंप्लेंट फाइल की है, कुछ ने एक कोर्ट केस भी फाइल किया है. और अमेरिका में और जापान और साउथ कोरिया में ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि LG G4, LG G5, LG V10 के जो यूज़र्स हैं उनको एक इशू फेस करना पड़ रहा है. बेसिकली LG ने अभी कुछ ही दिन पहले एक सॉफ्टवेयर अपडेट निकाला था. उस अपडेट के बाद से जो भी यूज़र्स इस अपडेट को इंस्टॉल कर रहे हैं, उनमें से कुछ यूज़र्स के फ़ोन एक परमानेंट बूट लूप में जा रहे हैं. नाउ व्हाट दिस मीन्स इज़ कि जैसे ही आपने अपना फ़ोन अपडेट किया, आपका फ़ोन एक परमानेंट बूट लूप में चला जाएगा, जिससे कि वो स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यूसली रीस्टार्ट होता रहेगा. आपको कभी भी होम स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी. एक बार वो स्टार्ट होगा, शट डाउन होगा, स्टार्ट होगा, बेसिकली यही चलता रहेगा. एक बूट लूप में आपका फ़ोन चला जाएगा. तो आई विल सजेस्ट, अगर आप में से कोई भी LG का कोई भी फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, फ्लैगशिप फ़ोन, बेसिकली जो फ़ोन्स यू नो 40 to 50,000 की रेंज में हैं, LG G5, LG G6 जो भी लॉन्च होने वाला है, या LG V10, तो आई वुड सजेस्ट अभी आप रुक जाइए, अभी बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि LG के फ़ोन पे हाथ रखना अभी खतरे से खाली नहीं है. और गाइस, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास भी एक LG का फ़ोन है, आप ये देख सकते हैं, LG G2. और गाइस, कुछ दिन पहले अराउंड अ वीक गो इस पे भी एक छोटा सा 12 MB का अपडेट आया था, और जब से मैंने ये फ़ोन अपडेट किया है, दिस इज़ नॉट वर्किंग. मैं देखिए, पावर बटन दबा के रखा हुआ है, और बैटरी मैंने पूरी रात इसको चार्ज किया था, और ये अभी भी काम नहीं कर रहा है. सो ग्रेट वर्क LG. और वैसे मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फ़ोन 3.5 साल पुराना है, और मैं इसको एज अ सेकेंडरी फ़ोन यूज़ कर रहा था. तो आई डोंट गिव अ डैम कि अगर ये ख़राब हो भी गया, बट आपको मैं वॉर्न करना चाहता था कि कोई भी LG का फ़ोन अभी मत लेना, एज यू नो. और गाइस, तीसरा अपडेट है डार्क सोल्स के बारे में. डार्क सोल्स 3 का एक नया पैच आ जाएगा कुछ ही दिनों में, जो कि सपोर्ट करेगा PS4 Pro पे. अगर आप PS4 Pro ओन करते हैं या फिर लेने वाले हैं और डार्क सोल्स के फ़ैन हैं, तो डार्क सोल्स 3 का जो पैच है, इट विल अनेबल यू टू रन द गेम एट 4K ऑन PS4 Pro, और उसका फ्रेम रेट जो लॉक किया गया है वो है 60 FPS. सो बहुत ही एपिक होगा गेमिंग एक्सपीरियंस. और गाइस, एप्पल के लिए, एप्पल फैंस के लिए एक और न्यूज़ आ रही है. अभी एक ईमेल मिला है एप्पल को रिसेंटली, इट्स अ थ्रेटनिंग ईमेल, और एक ग्रुप है, हैकर्स ग्रुप, उस ग्रुप का नाम है टर्किश क्राइम फैमिली. उन्होंने थ्रेटन किया है एप्पल को कि अगर एप्पल ने उन्हें बिटकॉइन में $75,000 पे नहीं किए, तो दे विल डिलीट द अकाउंट्स ऑफ 300 मिलियन यूजर्स ऑन iCloud. अगर आप iPhone या iPad यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ जस्ट अ वार्निंग न्यूज़. पता नहीं इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है या नहीं है. एप्पल ने इसको अभी अच्छी तरह से कन्फर्म नहीं किया है कि क्या रीज़न है, बट एप्पल ने इस चीज़ पर काम करना शुरू कर दिया है. वो देख रहे हैं कि क्या है ऐसा, हैकर्स के पास ऐसा कौन सा एक्सेस है उनके सर्वर्स का, जिससे वो ऐसे इतने बड़े अमाउंट में यूज़र्स के अकाउंट डिलीट कर सकते हैं. और गाइस, आज का सबसे बड़ा जो अपडेट है वो है कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर में लड़ाई हो गई है. जस्ट किडिंग गाइस, आज का जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है एंड्रॉयड की तरफ से. गूगल ने एंड्रॉयड 8 ओरियो का डेवलपर प्रीव्यू लॉन्च कर दिया है. बेसिकली ये डेवलपर्स के ऊपर फोकस किया गया है. जस्ट उस पर कुछ फंक्शनैलिटी रिलीज़ कर दी गई है. उसमें सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी जो देखने को मिल रही है वो है नोटिफिकेशन बैजेस के बारे में, कि हर एप्लीकेशन, जैसे अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, अगर किसी पे भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो आपको बैजेस के थ्रू नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और वो लेजिट इन्फॉर्मेशन हो, ताकि कोई स्पाईवेयर या फिर मॉलवेयर ना हो. तो अभी तक इतना ही अपडेट है इस एंड्रॉयड के बारे में. लेकिन हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि एंड्रॉयड का कोड नेम ओ है,
अब स्पेकुलेशन यही लगाई जा रही हैं ओरियो होगा, और मेरे ख्याल से गूगल ने कंफर्म भी कर दिया है ओरियो ही है, और एंड्रॉयड 8 वर्जन इस साल हमको देखने को मिल जाएगा होपफुली विद अ न्यू पिक्सल फ़ोन। सो गाइज ये था आज का टेक अपडेट, और स्टे ट्यून, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो, क्लिक ऑन डिसलाइक इफ़ यू डिसलाइक द वीडियो, एंड गाइज बने रहिए मेरे साथ, आई विल पोस्ट न्यू वीडियोज़ वेरी सून, बाय बाय।